तो खराब लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है थायराइड, जिसका समय पर अगर इलाज नहीं हुआ या फिर आप इसे पहचान नहीं पाए तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। थायराइड होने की शुरुआत के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या खाते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्या नहीं खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं NBT लाइव और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। दुनिया भर में थायराइड के मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज हर 10 में से 4 लोगों को थायराइड की बीमारी हो रही है। मोटापा बढ़ना, खराब लाइफस्टाइल और हार्मोन्स में गड़बड़ी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। थायराइड 2 तरह से होता है, जैसे कि एक होता है हाइपरथायरिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायरिज्म। इसमें गर्दन के अंदर और ये जो कॉलर बोन है इसके अंदर तितली के आकार का एक ग्लैंड बन जाता है। ये एक तरह का एंड्रोक्लाइन ग्लैंड होता है जिसमें हार्मोन्स बनते हैं। थायराइड बढ़ने या कम होने की ये प्रॉब्लम लेडीज में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि कई बार लोगों को थायराइड होने पर पता भी नहीं चल पाता है। तो आज हम थायराइड की शुरुआत के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और आपको उससे बचना कैसे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, थायराइड के लक्षण क्या क्या हैं, जैसे कि हाथ पैर में कंपन होना, बालों का झड़ना, पतला होना, नींद की कमी और जो आपकी मसल्स हैं उसमें दर्द होना, कमजोरी रहना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना और बहुत सा पसीना आना, दिल की धड़कनें तेज़ होती रहती हैं कभी कभी अक्सर, और भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपका वेट लूज़ हुआ जा रहा है, कहीं पर वेट बढ़ जाता है और महिलाओं के पीरियड्स भी इसमें इरेगुलर हो जाते हैं। थायराइड के मरीज़ों को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए ये भी हम बात करेंगे। ये तो सिम्टम्स थे और ये अगर आपकी बॉडी में आपको फील होने लगे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थायराइड की शिकायत हो सकती है, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवा लें अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको, यानी कोई भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वो हम अब बात करते हैं। थायराइड अगर आपको हो गया है तो आपको आयरन युक्त चीज़ें खानी चाहिए। आप मछली ज़रूर खाएं, उसमें काफ़ी सारा आयोडीन होता है और आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सी फूड खाते हैं, यानी कि जो समुद्री मछली है उसको खाते हैं, तो उनमें काफ़ी आयोडीन पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको खाने चाहिए। अगर थायराइड होने पर आप दूध, दही, पनीर या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वहीं आपको मुलेठी खानी चाहिए। मुलेठी एक तरीके से एक मेडिसिन की तरह काम करती है, जो आपकी जो ग्लैंड है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, उसको बैलेंस करने में काफ़ी मददगार होती है मुलेठी, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी थकान, कमज़ोरी की जो प्रॉब्लम है उसको कम करते हैं। जैसे हमने आयोडीन की बात की, क्योंकि आयोडीन थायराइड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनका जो गला है वो कभी कभी सूज जाता है, यानी कि काफ़ी मोटा हो जाता है वो ग्लैंड हैवी होने की वजह से। तो आपको आयोडीन युक्त खाना खाना है जो आपके ग्लैंड को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वहीं आपको सोया फूड्स खाने हैं, यानी कि जो सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें हैं, जो पेशेंट हैं उनको सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें खानी हैं। जैसे कि आपको सोया मिल्क आप पी सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन की सब्ज़ी खा सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें जो आप खा सकते हैं। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके रखती हैं। हालांकि इसके साथ ही आपको आयोडीन की मात्रा को भी काफ़ी लिमिटेड तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि आप आयोडीन ही आयोडीन खाए जा रहे हैं, तो आपको बैलेंस बनाकर ज़रूर रखना है। पर ये चीज़ें आपको ज़रूर खानी है, क्योंकि जो लोग थायराइड के पेशेंट होते हैं उनके गले में इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लेडीज़ को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको सिम्टम्स फील होने लगे हैं तो आप अपने खाने में ज़रूर बदलाव करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी थायराइड के पेशेंट की जो बॉडी है वो लीन होती चली जाती है लेकिन उनका गला सूजता चला जाता है, और ये बीमारी आपको किसी भी उम्र में हो सकती है। इसकी कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि आपको 40 के बाद ही होगी। ये बीमारी आपको 18 साल से कम उम्र में भी हो सकती है, 18 साल के बाद हो सकती है, और अगर आपको ये ज़्यादा होने लगी है तो आप इसकी मेडिसिन ज़रूर शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह की दिक्कत हो तो उन्हें भी ये जो एडवाइस है वो कहीं ना कहीं काम आ सके। फ़िलहाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और
वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले।